को भी क्लास। अभी तक हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कर लिया था और आपने अपने एग्जाम भी दे दिया था। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। ठीक है, दैट एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आर बॉडी एंड द वॉट आर द वेस्ट प्रोडक्ट विच वी नीड टू रिमूव फ्रॉम आर बॉडी। द वेस्ट प्रोडक्ट आर यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट विच आर जनरेटेड ड्यू टू द डाइजेस्टिंग प्रोसेस और द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, दीज आर द सम वेस्ट विच हैज़ टू बी गेट रिड फ्रॉम आर बॉडी। सो द प्रोसेस थ्रू विच दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड और एक्सपेल आउट फ्रॉम आर बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए हमारा जो हमारी बॉडी में जो सिस्टम वर्क करता है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, अगर हम उसको एक बार जस्ट एक समराइज करें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें इट इज़ द इट इंक्लूड्स द टू पेयर्स ऑफ किडनी, यूरिनरीफेरस ट्यूब्यूल्स यूरेटर्स यूरेथ्रा एंड द यूरिनरी यूरेथ्रा ओपनिंग। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स थ्रू विच द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम आर बॉडी। ठीक है, तो लेट डिस्कस इट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं वो कैसे निकलते हैं, दैट यू ऑल आर नोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स बाई द सेम पैसेज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, फ्रॉम द लंग्स देयर इज एलोवेलाई थ्रू विच द गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेम पैसेज। ठीक, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजीनियस मटीरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। जो और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, उनको भी उनका भी हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं वो टॉक्सिक है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ओके, ठीक है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो जो मैंने आपको बताया, तो दीज रिमूवल ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरियड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम रिमूव दीज वेस्ट बाई सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस इन टू द सराउंडिंग वाटर। As we have seen in other process, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function. अगर हम unicellular organisms की बात करें तो they are single cell, तो उनकी body में जो metabolic waste होते हैं वो water में कैसे remove होते हैं, by the process of the diffusion। ठीक है, और multicellular organism में एक complex system work करता है जिसके through जो metabolic waste generate होते हैं वो body से बाहर निकलते हैं। Now let discuss the excretion in human beings. The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. जो excretory system होता है human beings का, उनमें क्या होते हैं, pair of kidneys होती हैं, pair of ureters होता है, urinary bladder होता है और एक urethra होता है। ठीक है, kidneys are located in the abdomen on the either side of the backbone. kidneys की position कहाँ होती है, kidneys जो होती हैं वो abdomen में present होती हैं backbone के दोनों side पे, एक इस side पे, एक left hand side पे, एक right hand side पे। abdomen यानी कि हमारा पेट। ठीक, urine produced into the kidneys passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the
यूरेथ्रा। जो यूरिन होती है वो हमारी किडनीज के थ्रू जो है यूरेटर से पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती रहती है और वो टाइम टू टाइम जो है यूरेथ्रा से रिमूव आउट होती है, एक्सपेल आउट होती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन का फॉर्मेशन केवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरिन की वजह से ही जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से फिल्टर आउट होते हैं। जैसे फिल्टर आउट मतलब छन के अलग होते हैं, ठीक। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजेनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से रिमूव होता है थ्रू द लंग्स, उसी तरीके से जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट जनरेट होते हैं जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, इनको भी ब्लड से रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ किडनीज। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ द किडनी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो किडनीज हैं ये एक फिल्टर की तरह काम करती हैं, यानी कि हमारी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपलरीज। जैसे कि लंग्स में एक छोटी छोटी ब्लड कैपलरीज होती हैं थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, उसी तरीके से जो किडनीज होती हैं उनमें भी कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह थिन वॉल कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनसे कि जो है किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है। अब देखते कैसे। ईच कैपलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। जो कैपलरीज का क्लस्टर होता है, ग्रुप ऑफ कैपलरीज जो होती हैं जो किडनीज में प्रेजेंट होती हैं, वो एक कप शेप ट्यूब में कलेक्ट एक कप शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कैपलरीज उसी में अटैच होती हैं जहाँ पे जो यूरिन होती है वो फिल्टर होती है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और यूरिन में चेंज हो जाता है। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन। इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। जैसे जैसे ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं और वाटर होते हैं, ये जो है वो रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं जैसे जैसे यूरिन जो है ट्यूब में फ्लो करती जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। जितना जो हमारी बॉडी में यूरिन जो बनती है या अब्सॉर्ब होती है वो जो है स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और किस तरीके कितने जो है जो डिजॉल्व वेस्ट को डिजॉल्व करके कितने मतलब ये जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से आउट हो रही है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। जो यूरिन जो है जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है वो जो जिसमें यूरिन फॉर्म होता है वो किडनी में एंटर करती है, किडनी के थ्रू एंटर करती किडनी में किडनी से जो यूरिन पास होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करती हैं, उसको क्या कहते हैं हम, यूरेटर, जो कि किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए क्या हुआ, आप समझिए, नेफ्रॉन जो किडनीज होती हैं उनमें नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स एक तरीके की फिल्टरिंग डिवाइसेस होती हैं, नेफ्रॉन में कैपलरीज अटैच होती हैं जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन जो होती है वो कलेक्ट होती है, फिर ये यूरिन जो है किडनीज के थ्रू जो है यूरेटर्स में जाती है। यूरेटर क्या है, यूरेटर एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ता है, तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि यूरेटर से जो यूरिन होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती रहती है और टाइम टू टाइम इट इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक।
यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा. द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवियर. एज अ रिजल्ट वी कैन ईजिली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. जो हमारा जो ब्लैडर होता है वो मसल्स का बना होता है जो कि नर्वस सिस्टम से चलता है, ठीक है. और इसकी वजह से ही जब हमें लगता है कि हमारा प्रेशर बन रहा है देन वी यूज टू गो टू द फॉर द यूरिनेशन. एक बार हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं. सो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. देखिए दिस इज द बोमेन कैप्सूल, दिस इज द ब्रांच ऑफ वेन, दिस इज द ब्रांच ऑफ आर्टरी. वेन ब्लू कलर की होती है और आर्टरी रेड कलर की होती है, ठीक है. ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, यही एक मेन फिल्ट्रेशन डिवाइस होती है. ये ग्लोमेरुलस इसमें प्रेजेंट होता है. ये ट्यूबुलर, दिस इज़ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द न्यूफ्रॉन एंड दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट. तो यहाँ पे ये जो ब्लड कैपरेरीज ये अटैच होती हैं, ये बोमेन्स कैप्सूल में जाता है ब्लड, यहाँ पे फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद में इस ट्यूबुलर प्लास पार्ट के थ्रू जो है वो कलेक्ट होता है, जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है. आया समझ में? ओके. अब नाउ द आर्टिफिशियल किडनी दैट इज द हीमोडायलिसिस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल. जो किडनीज हैं वो जो है हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी जिंदगी के लिए. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजूरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द किडनीज. बहुत सारे फैक्टर्स जो है किडनीज की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि चोट लग जाना या फिर किसी तरीके से इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है. जो यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, आपने सुना है, तो यूरिन इन्फेक्शन किडनीज को प्रभावित करता है अगर उसका टाइम से इलाज नहीं होता है. तो इसीलिए बेसिकली दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अगर यूरिन की लग रही है तो यूरिन यू हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन. आप कभी भी यूरिन को रोकना नहीं चाहिए, इससे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है. और दूसरा, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक. किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूसेस द एक्टिविटीज ऑफ द किडनीज. दिस लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू द डेथ. अगर आप सोचिए, अगर हमारी किडनी वर्क नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी में जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो बढ़ते जाएंगे, और पॉइजनस सब्सटेंस बढ़ने का मतलब है कि इंसान की अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है. इन केस ऑफ ए किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड. अगर हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तरह तरीके की चीज़ें आ गई हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो हम आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कैरी आउट.
क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी. ओके ओके गुड बाय.